Hello everyone, welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM and here I am back with another video. So बहुत दिनों के बाद आज का वीडियो आपको मिल रहा है और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि जो आपका TYBCOM है मुंबई यूनिवर्सिटी से जब आप अटेम्प्ट करोगे तो बेसिकली ऑफलाइन एग्जाम जो भी होगा और पहले जो ऑनलाइन एग्जाम्स हुई थी उनमें काफी बड़ा डिफरेंस है. तो देयर शुड बी अ स्ट्रैटेजी फ्रॉम योर साइड to work on this offline pattern of examination. So you all know that this semester 5 जो आपका भी exam होगा, you all are going to attempt this examination in offline mode. So since this semester 5 you are going to attempt in offline mode, there should be a specific strategy which you need to follow because online mode पे preparations एक different task है और offline mode पे अगर हम preparations देखें तो एक different task है. तो किस तरीके से आपको प्रिपरेशंस करना है, कौन से सब्जेक्ट्स के ऊपर कैसे फोकस करना है, सब्जेक्ट्स के जो बेसिक चैप्टर्स है उसके कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज और बहुत सारी चीजें हम इस चैनल पे डिस्कस करते रहेंगे. और काफी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी बना भी दिए हैं, चैप्टर वाइज भी डाले हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं. तो आपको ये चैनल पे बहुत सारी चीजें मिलने वाली है, आगे वाले टाइम पे भी आपको बहुत सारी चीजें इसमें मिलती रहेगी ताकि ओवरऑल एक जैसे लास्ट मिनट रिवीजन जो वीडियोस होते हैं जो आपको लास्ट मोमेंट में तो हेल्प करते ही है, लेकिन उसके साथ साइमल्टेनियसली आपको चैप्टर वाइज भी वीडियोस इस चैनल पे मिलते रहेंगे. अगर हम मुंबई यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 5 की बात करें, इफ यू आर अटेम्प्टिंग फ्रॉम any college and if you are attempting from the IDOL also, the basic syllabus is same to you. तो सबसे पहले अगर हम बात करें practical subjects की, तो all of you are aware about कि practical subjects कौन से है. तो practical subjects कौन से है? Practical subjects हमको है accountancy के. We are having first accountancy subject that is financial accounting और दूसरा हमारा subject है cost accounting. तो ये दो आपके subject है accountancy से related. ये दो सब्जेक्ट के बाद आपके दो सब्जेक्ट्स आएंगे. ये सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है टॉपिक वाइज हम जाएंगे धीरे धीरे. आज के सेशन में हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे सब्जेक्ट्स के बारे में ताकि ओवरऑल एक आपको आइडिया आ पाए कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट्स में क्या क्या चीजें हैं, कैसे इसको आपको कैरी फॉरवर्ड करना है और आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर आपको अच्छी तरीके से TY में फोकस करना है. तो फिर मैं कुछ आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाऊंगा, उससे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा. पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि सब्जेक्ट्स क्या क्या है. हमारे जो सब्जेक्ट्स है, सबसे पहला हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमने बात किया, सेकंड हमारा सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग. तो दिस टू सब्जेक्ट्स आर योर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स. देन दी अदर टू सब्जेक्ट्स व्हिच वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, दैट इज थियरी. तो उसमें से सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स का. देन जो हमारा सेमेस्टर 5 में सब्जेक्ट आता है दैट इज कॉल्ड एज MHRM, कॉल्ड एज मार्केटिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो मार्केटिंग का सब्जेक्ट आपको सेम 5 में पढ़ना है. तो ओवरऑल ये चार सब्जेक्ट जो अभी हमने डिस्कस किए या जो पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए हैं, ये चार सब्जेक्ट में दो सब्जेक्ट्स आपके प्रैक्टिकल है और दो सब्जेक्ट्स आपके थियरी है. तो दो सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल, दो सब्जेक्ट्स थियरी, ऐसा अभी ओवरऑल सिस्टम हुआ है. उसके बाद अगर हम देखें तो आपके अप्लाइड कंपोनेंट्स के सब्जेक्ट आते हैं. अप्लाइड कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि ये सब्जेक्ट्स ऑप्शनल है, हर कॉलेजेस में ये आपको डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन बच्चे इसमें क्या करते हैं, बच्चे इसमें यूजुअली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. द रीजन बिहाइंड ऑप्टिंग फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इज इफ यू ऑप्ट फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स योर चांसेस ऑफ गेटिंग गुड परसेंटेज इज मोर. व्हाई इट इज मोर? बिकॉज अगर हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स का एक सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिकल है, उसमें आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं. अगर हम उसी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स के जगह पे कोई सब्जेक्ट ले ले एक्सपोर्ट मार्केटिंग का, तो दैट इज टोटली थियरी सब्जेक्ट. तो थियरी सब्जेक्ट्स आप सभी को पता ही है कि थियरी सब्जेक्ट्स में आप कितनी भी चीजें प्रेजेंट करो, कितनी भी चीजें लिखो, ओवरऑल प्रैक्टिकल के कंपेरिजन से आपको मार्क्स उतने नहीं मिल पाते. तो इसीलिए आपको ओवरऑल ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस करना है. अगला जो हमारा अप्लाइड कंपोनेंट का सब्जेक्ट है दैट इज कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस. तो ओवरऑल यूजुअली स्टूडेंट्स ट्राइज की ये एग्जैक्ट सब्जेक्ट आपको मतलब लेने हैं, ये सब्जेक्ट्स पे ही यूजुअली स्टूडेंट्स फोकस करते हैं. तो ओवरऑल आपके कितने सब्जेक्ट्स हुए? टोटल 6 सब्जेक्ट्स हुए. अगर हम 6 सब्जेक्ट्स की बात करें तो 6 सब्जेक्ट्स में 4 सब्जेक्ट आपके प्रैक्टिकल हुए और 2 सब्जेक्ट्स आपके थियोरी हुए. तो अगर हम एक मार्किंग के बेसिस पे काउंट करें तो 400 मार्क्स आपका पूरा प्रैक्टिकल पे है एंड रिमेनिंग 200 मार्क्स जो है दैट इज बीन related with your theory subjects of economics and marketing. मतलब कहीं ना कहीं practical subjects अगर आपके overall points में ज्यादा है तो इससे आपको maximum percentage में बढ़ने के लिए help हो सकता है. इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको theory पे focus नहीं करना है, आपको थ्योरी पे भी फोकस करना है और प्रैक्टिकल के ऊपर भी फोकस करना है. तो ये सब्जेक्ट जो है इसमें टॉपिक कैसे है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या टॉपिक्स है, कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या टॉपिक्स है, वीडियोस कैसे मिलेंगे, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे ही. आपको वीडियोस मिलते रहेंगे चैनल पे और एक सिंपल तरीके से आपको हर चैप्टर में क्या क्या चीजों के ऊपर फोकस करना है वो सारी चीजें में मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप किस तरीके से कम प्रिपरेशन करके मैक्सिमम चीजों को जान पाएंगे और मैक्सिमम चीजों को जान पाने के बाद पेपर में किस तरीके से आप उसको अटेम्प्ट करोगे या अप्लाई करोगे ताकि आपके ओवरऑल परसेंटेज जो है वो बढ़ पाए. उसी सारे चीजों के ऊपर हम फोकस करने वाले हैं. तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मैं आगे वीडियोस डालूंगा उसका बेनिफिट आप ही को होगा. उससे आपको क्या मिलेगा, नोटिफिकेशंस मिलेगा, ताकि आपका एक भी वीडियो जो है वो मिस नहीं होगा. तो हमें आज के वीडियो से इतना पता चला है कि ओवरऑल जो आपका TYBCOM का सेमेस्टर 5 है, उस TYBCOM के सेमेस्टर 5 में अगर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स को और कंप्यूटर सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस को लेंगे तो हमारे 400 मार्क्स प्रैक्टिकल ओरिएंटेड हो जाएंगे. मतलब 400 मार्क्स हमको कंसेप्ट बेस पे, सम सॉल्विंग के बेस पे करने पड़ेंगे या उसके रिलेटेड काम करना पड़ेगा. एंड बाकी के जो दो आपके सब्जेक्ट्स हैं वो बाकी के दो सब्जेक्ट्स आपको पूरा का पूरा थियोरी पढ़ना पड़ेगा. लेकिन अगर हम इसी में दो थियोरी सब्जेक्ट्स भी ले लेंगे तो फिर हमारे ओवरऑल प्रिपरेशंस में थियोरी का रोल कुछ इंपॉर्टेंट बन जाएगा और थियोरी ज्यादा हो जाएगा. पहले से दो सब्जेक्ट्स हमारे पास थियोरी है और भी आप अगर दो सब्जेक्ट्स थियोरी ही ऑप्ट करोगे अप्लाइड कंपोनेंट में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम्स आपको इससे रिलेटेड फेस होगा, पढ़ाई थोड़ी आपको ज्यादा करनी पड़ेगी. तो दैट इज दी ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ योर TYBCOM सेमेस्टर 5. आई होप कि आपको ये इंट्रोडक्टरी वीडियो जो है पता चला होगा तो हमें किस तरीके से ये 4 सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करना है. वैसे आपको वीडियोस इस चैनल पे धीरे धीरे मिलते रहेंगे. तो हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जिससे हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको कैसे चैप्टर्स में क्या क्या फोकस करना है वो सारी चीजें मैं बताऊंगा. और वीडियोस तो प्लेलिस्ट बनाई है, चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट है आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, तो उसमें सारे चैप्टर्स लाइन में है, आप अकॉर्डिंगली देखते रहे, वहां से भी आपको काफी ज्यादा हेल्प मिल सकता है. और लास्ट मिनट रिवीजन चैनल का नाम जैसा है वैसे आपको लास्ट मिनट रिवीजन की वीडियोस भी इस चैनल पे मिलते रहेंगे. आई होप कि आपको ये ओवरऑल आज का वीडियो जो है वो इंटरेस्टिंग लगा होगा, इसमें से आपको एक ओवरव्यू मिला होगा और यही ओवरव्यू लेके हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे, नेक्स्ट डिस्कशन में जाएंगे, जब हम वहां पे डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में. थैंक यू वेरी मच. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. बाय बाय. टेक केयर.